मैं कहता हूँ प्यार करो तो पूरी तरह से करो, और अलग हो जाओ तो पूरी तरह से हो जाओ, बीच में मत अटको जाकर। दोनों ही तरफ एनर्जी है, अलग अलग तरह की एनर्जी है। प्यार में अलग तरह की एनर्जी है, और जब प्यार की वजह से दिल टूटता है उसमें एक अलग एनर्जी है, वहां से एक अलग डायमेंशन ओपन होता है, यहाँ से एक अलग आपका डायमेंशन ओपन होता है। जब हम डीपली किसी के साथ में प्यार में होते हैं और उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, दैट इज लव, उस मोमेंट में एक डीप अबाइडिंग पीस होती है, साइलेंस होता है, एक ठहराव होता है उस मोमेंट में, और कुछ नहीं होता है वहां पर, ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, आप भी नहीं होते हो, वो भी नहीं होता है, सिर्फ प्यार होता है, सब कुछ जुड़ा पड़ा होता है। ये आप तब मेरी इस बात की डेप्थ को समझ सकते हो जब आपने कभी ठहरे हो, कभी लाइफ में ठहरे हो। वहां पर क्या होता है, आप पूरी तरह से जुड़े हुए होते हो इस पूरी क्रिएशन के साथ, आप जुड़ एक से रहे हो, आपको लग रहा है, लेकिन आप एक से नहीं जुड़ रहे हो, आप सबसे जुड़ गए हो, इसको प्यार बोलते हैं। When you are in a deep state of love, so there is no need to act there. एक दूसरी स्टेट होती है जहां पर आपका दिल टूट जाता है, वहां पर आप रिलैक्स नहीं हो सकते, वहां पर कोई जुड़ा पड़ा नहीं है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो गई है यहां पर। कभी फील किया है जब दिल टूटता है तो कहां आती है एनर्जी, यहां आती है, यहां आती है। जैसे होता है ना कि किसी पोएट की बातें सुनते हैं तो दिल में कुछ होने लग जाता है, और किसी की सुनते हैं बेकार है, कुछ देखते हैं कोई पीस ऑफ आर्ट तो कुछ होता है, तो उसकी बात चल रही है। जब दिल टूटता है पूरी तरह से, जब ब्रेकअप होता है और यहाँ पर एनर्जीज होती हैं, तो अब अगर उसको आप ढंग से चैनलाइज करते हो, आपको पता है उस एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो अब आप इतने क्रिएटिव हो सकते हो जिसकी कोई हद ही नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हमारी एनर्जी एक जगह पर कभी इकट्ठी होती ही नहीं है, होती तो आप मेरे से ये सवाल नहीं पूछते कि मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों होता हूँ अपने गोल से, क्योंकि गोल्स यहाँ बने हुए हैं सारे के सारे। जब एनर्जी यहाँ होती है तो उसको एक्सप्रेस होना ही है, या तो वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से होगी या कंस्ट्रक्टिव तरीके से होगी, और उस समय अंदर से आप अपनी ऐसी ऐसी डायमेंशंस को देख रहे होते हो जो नॉर्मली आप नहीं देख सकते। तब आप जो एक्चुअल में होते हो वो आपके थ्रू होने लग जाता है, दैट इज द हाईएस्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। जितने भी आर्टिस्ट हुए हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ आर्टिस्ट, उनको आप सबको देखोगे तो सबके पीछे कहीं ना कहीं आपको ब्रेकअप मिलेगा, सबका दिल टूटा हुआ मिलेगा। बड़े से बड़े मॉन्यूमेंट देख लो, ताजमहल की बात हो रही थी अभी, कैसे बना, दिल से बनाना, दिमाग से नहीं बनाना, दिमाग से तो पता नहीं कितनी चीजें बनी। दिमाग से जो बनता है उसको दिमाग तोड़ देता है टाइम के साथ। दिमाग से आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, कोई और दिमाग से कोई बड़ी बिल्डिंग बना देगा, ताजमहल दूसरा कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। दिमाग से जो पेंटिंग बनती है उसकी एक कीमत है, तो दिल से बनी उसकी कोई कीमत ही नहीं है। दिल से अगर आपने कुछ किया तो दैट इज टाइमलेस। और अब अगर यहां पर आप अपनी ये जो सारी एनर्जी है उसको लगा दो कहीं ऐसा कुछ करने में जहां पर के आप खुद को खो दो, तो वहां से जो क्रिएट होगा वो कुछ कमाल का होगा।